हमें दिखाया जाता है कि डॉर में मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर लेते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट साइन करने का दो कंडीशन था केट का। पहला कंडीशन ये था कि मे को केट के घर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। मे परेशान होते हुए बोलते कि मैं तुम्हारे घर पे क्यों शिफ्ट होंगी। तभी केट बोलता है कि तुमने कभी देखा है हस्बैंड वाइफ को अलग अलग घर में रहते हुए? ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे भी हम फेक मैरिज कर रहे हैं और लोग को तो पक्का डाउट होगा, इसलिए तुम्हें मेरे घर पर शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। मैं मानती है। दूसरा क्लॉज ये था कि मतलब पब्लिक एफिडेंस होता है ना, मैं ठहरी एक एक्ट्रेस, तो लोग उस पर डाउट ना करें। इसके लिए अगर वो मीडिया के सामने, उनके फ्रेंड्स के सामने, रिलेटिव्स के सामने ऐसे प्रेटेंड करेंगे कि दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है, लाइक अ लवी डवी कपल, और एक शर्मी में मान जाती है। उसके बाद वो सर्टिफिकेट साइन कर लेती है एंड फाइनली दे आर मैरिड। हमें दिखाया जाता है सारी तो हो गई। दूसरा प्लान क्या था, पैपराजी वो फोटो लीक करे, उससे पहले इन लोगों को वो फोटोज़ लीक करनी थी। सो ऐसा भी दिखाना था कि गलती से हो गया, मतलब होता है ना जो फोटो गलती से किसी ने लीक कर दिया। सो केट अपने लोगों को बोलता है कि वो फोटो लीक कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं बोलती कि ये सही नहीं है, क्योंकि देखो एक बिजनेसमैन के टीम से वो फोटो लीक होगा तो ऐसा लगेगा कि इंटेंशनली लीक हो गए थे, मतलब गलती से नहीं। तो एक सेलिब्रिटी की लाइफ तो ऐसे भी स्कैंडलस होती है, मतलब बहुत सारे पंगे होते रहते हैं। तो रियंग बोलती है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं, डोंट वरी बोल के वो और फोटो को लीक कर देती है। हमें दिखाया जाता है जो पापाराजी था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि ना तो मैं फ़ोन रिसीव कर रही थी ना तो केट, और वो बोलता कि अब मैं इन दोनों की जो इज्जत है ना उसको डुबा दूंगा, मैं पब्लिश कर दूंगा सारे फोटोज इनकी, रंग रंग लिया, ऐसा वो बोल रहा था। नेक को दिखाया जाता है, नेक अपने पूरे घर में सारे मे के फोटोज को ही पेंटिंग ही कर रहा होता है। इसका रीज़न आप लोगों को बाद में पता चलेगा, अभी नहीं। सो वो उसका असिस्टेंट आके दिखाता है कि हॉट एंड हैंडसम बिजनेसमैन केड ने टॉप एक्ट्रेस मैंने से शादी कर ली, ये न्यूज़ लीक हो गई थी। नेक शॉक हो जाता है पापाराजी ये फोटो देखने के बाद, ये न्यूज़ देखने के बाद परेशान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है किसी आग फैली हुई आग की तरह में और गेट की शादी वाली न्यूज़ मार्केट में फैल गई थी। गेट और मैं अब मीडिया के सामने आके सब कुछ कन्फेस करने वाले थे, मतलब हम दोनों की शादी किस तरह से हो गई। सो हर टिपिकल मीडिया की तरह मीडिया वाले भी उन लोगों से बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे, क्योंकि ना तो केट के बारे में कभी पता चला था कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ना ही मैं, और सडनली इन उन्होंने शादी कर ली रातों रात, ऐसा क्या हो गया, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं, ये तक पूछ लेते हैं। और यहाँ पर ना केट बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। केट ये बोलता है कि हम दोनों अपने पर्सनल लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी थे कि हम ये सब डिसाइड कर ही नहीं पाए, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार था। और ये जरूरी नहीं है ना कि प्यार है तो मीडिया के सामने आओ, दुनिया के सामने तमाशा बनाओ, हम दोनों तो कभी चाहते नहीं थे कि हमारे फ़ोटो भी लीक हो जाए, बस ये हो गया तो अब सबके सामने आके सब कुछ क्लियर करना पड़ रहा है, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर केट को मीडिया वाले पूछते हैं कि आपको मेरे से कब प्यार हो गया था, केट बोलता है कि वो लव एट फर्स्ट साइट था, एंड केट याद करता है जब बार में पहली बार वो मेरे से मिला था। तो केट की हरकतों से हम ये समझ सकते हैं कि उसे सच्ची में मैं पहली नज़र में पसंद आई थी। आप लोग ये बात याद रखना कि जो केट था ना उससे जो उसके साथ शादी होने वाली थी पिन ज़्यादा पसंद नहीं थी, वो बस उसकी अच्छी दोस्त थी और उसकी मॉम की वजह से उसने शादी करने के लिए ओके बोल दिया होता है। हम देखते हैं मीडिया का मामला तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है केड मी के सामने आके पूछता है कि ऐसे एक बात बताओ, हमारा बेबी कैसा रहेगा, मतलब कैसा दिखेगा, तुम्हारी तरह या फिर मेरी तरह, ऐसा बोलता है नॉट यू आई। मैं बोलती कि पागल हो गए क्या, तभी केड बोलता कि नहीं बच्चा होना नॉर्मल सी बात है ना, और हम दोनों तो मैरिड कपल है। तभी मैं बोलती कि हाँ ये नॉर्मल सी बात है बच्चा होना, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। केट बोलता कि तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो गई हो क्या, एक बात याद रखना तुम कॉन्फिडेंट हो सकती हो लेकिन केयरलेस मत होना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है मुझसे प्यार कर मत लेना, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, अभी तुम बहुत कॉन्फिडेंस हो कि मुझसे प्यार नहीं करोगे, लेकिन फ्यूचर का कुछ पता नहीं बोल देता है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है केट और मे की प्यारी सी नोकझोंक के बीच में रियंग और आचा आ जाते हैं। तो दो न्यूज़ थी, मे को रियंग बोलती कि आपके पापा आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा न्यूज़ बाहर आ गया तो अब ऑब्वियसली मे के पापा मिलना चाहते थे। सो केट को आचा बोलता कि उस पापा जी का लोकेशन
मिल गया, अब हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। सो ये दोनों टीम अप हो जाते हैं, मतलब अलग अलग। जो केर था वो पापाराजी के घर पे चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पापाराजी था ना वो वहाँ से भाग गया था और वो नाग के असिस्टेंट ने उसे देख लिया था, तो वो उसे बचा लेता है। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो पापाराजी था ना, पापाराजी से मिलने के लिए नाग आ जाता है, और यहाँ पर नाग और उसके असिस्टेंट ने पापाराजी को बचाया था। तो उस ऐसा जानने के बाद पापाराजी सारी चीज़ें बता देता है, जो सुनने के बाद नाग शौक हो जाता है। और पापाराजी कन्फर्म था कि उन दोनों में कोई प्यार व्यार नहीं, वो दोनों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए शादी किया हुआ है। और सारी उनकी दोनों की बातें, उन दोनों ने जो जो किया था, उसके पास जो फोटोज़ थी, सब कुछ वो बता देता है। और हमें दिखाया जाता है मैं अपने पापा से मिलने आती है, उसके पापा उसे बात करने की ट्राई कर रहे होते हैं, और मैं के पापा तो पक्का थे कि उसकी शादी सारी उसके साथ होने वाली थी, सारे लिए वो केर के साथ कैसे शादी कर सकती है, और यही बातें वो पूछ रहे थे। लेकिन मैं भी अपने पापा से इतना ज़्यादा कनेक्टेड तो है नहीं, तो वो बोलती कि मुझे कुछ भी पता नहीं, आप मुझे सारस के साथ कनेक्ट करना बंद कर दीजिए, मेरा हस्बैंड अभी केयर है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलती कि तुम जिस इंसान से प्यार करती नहीं हो उससे शादी कैसे कर सकती हो, ऐसा हो उसके पापा बोलते हैं। तभी मैं उस अपने पापा को बोलती कि आपने भी तो मेरी मॉम से बगैर प्यार ही शादी कर दिया था ना, तो आपको ये तो समझ में होना चाहिए कि शादी करने के लिए बहुत सारे रीज़न होती है, बस प्यार ही जरूरी नहीं है, ऐसा वो बोल देती है। हमें दिखाया जाता है केर मेरे घर पे आ जाता है। मैं अपने सामान लेने के लिए ऊपर गई थी क्योंकि उसे केर के घर पे आज से शिफ्ट होना था। मैं के पापा उसे पूछती कि तुम एक बिजनेसमैन हो और मैं तुम जैसे बिजनेसमैन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तुमने क्यों मेरी बेटी से शादी की है, क्योंकि एक बिजनेसमैन, तुम जैसे रियल इस्टेट का बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट देखे बगैर तो शादी नहीं करेगा, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेगा, था वो बोल रहे थे। केन बोलता कि ये सब एक डेस्टिनी है, आप गलत समझ रहे हैं। तभी मेरे के पापा बोलते कि तुम क्या मैं क्या होटल चाहते हो, तभी वो कुछ भी बोलता नहीं है। तभी मैं आ जाती है और वो बोलते कि केन मेरे होटल को फिर से रिस्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा, आपने बोला था ना मैं होटल को फिर से वापस खड़ा कर नहीं पाऊँगी, तो आपको मैं गलत साबित करके दिखाऊँगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो केन के साथ केट के घर के लिए निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में, जो मैं थी ना काफ़ी परेशान थी, मैं और केट प्लान करते हैं कि अब उन वो लोग फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों ने सडनली शादी कर ली, तो मैं किस तरफ के उसके दोस्त और केट के तरफ के उसके दोस्त सब लोग बस क्वेश्चनिंग कर ही रहे थे, मतलब अचानक से शादी कैसे कर ली, और वो भी कोई न्यूज़ के बगैर ही। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में, वहाँ पर जाने के बाद जैसे कि मैंने बोला था ना, लुक्यो नाम की लड़की है जो एक नंबर की जलती है मैं से, तो वो केयर से चिपकने की ट्राई कर रही थी और वो बोल रही थी कि मैं तुम्हें तो कितने सालों से जानती हूँ लेकिन कभी मुझे पता चला नहीं कि तुम किसी को डेट कर रहे हो और तुम मेरे से कैसे शादी कर सकते हो, सडनली वो भी इतना अचानक से ऐसा वो बोल रही थी। तभी केयर उसे बोलता है कि ये ज़रूरी नहीं है ना कि दो लोग डेट कर रहे, तो वो लोग मीडिया पे आए अपनी रिलेशनशिप का ढिंढोरा पीते, तो क्या आप ब्रेकअप होने के बाद क्या सबको आंसर देते रहेंगे क्या, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी रिलेशनशिप के लिए फेमस हो जाऊँ, तो मैं बस मैं से प्यार करता हूँ और अभी मेरी वाइफ है वो, ऐसा वो बोल देता है। हमें दिखाया जाता है डिनर के टाइम पे केट और मैं अपने अपने फ्रेंड्स के सामने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब केट मे को अपनी वाइफ बोल के इंट्रोड्यूस करवाता है, साथ ही में मैं केट को हस्बैंड बोल के, और सब कुछ ठीक ही था। केट की सिंसियरिटी मे के लिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा प्यार से बातें कर रहा था। यहाँ पर केट का एक सबसे अच्छा दोस्त था वो, जो इस इवेंट पर आया हुआ था, और वो भी केट के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है घर पे आने के बाद मेरे को पता चलता है केट के घर पे तो एक ही बेडरूम में, वो शॉक हो जाती है, वो पूछती है कि हम दोनों एक ही बेड पे कैसे सो सकते हैं, मतलब एक ही रूम में, इतना बड़ा घर है, इतने सारे दरवाजे, एक ही रूम है क्या। उसके बाद वो इधर उधर देखने लग जाती है, सच्ची में इस घर में एक ही रूम था, मेरे को ये चीज़ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रही थी। केट बोलता है कि तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, और उसके बाद अचा वहाँ से चला जाता है। अचा के जाने के बाद वो बोलता है कि तुम इस घर को अपने घर की तरह ही समझो, मैं बोलती कि नहीं, मैं ऐसा सिचुएशन समझूंगी कि जैसे कि मैं कोई ड्रामा शूट करने आई हुई हूँ और मैं यहाँ पर कुछ टाइम तक रहूँगी। तभी केर उसके पास आके बोलता है कि नहीं, मैं तो बस इसीलिए बोल रहा था ताकि तुम टेंशन मत फील करो और तुम ऐसा फील करो कि यहाँ पर तुम अपने घर पर रह रही हो तो ज़्यादा रिलैक्स रहोगी, वरना तो तुम्हारे मन में क्या क्या ख्याल आएंगे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा पुल्टा कर दूंगा, है ना, ऐसा बोल के मेरे को चिढ़ाने लग जाता है। मैं उस बात को टालने की ट्राई कर रही थी।
मैं बोलती है कि मैं ऐसा वैसा कुछ भी सोच नहीं रही थी, मैं क्यों टेंशन रहूँगी तुम्हारे साथ, ऐसा बोलती है। और उसके बाद मैं वहाँ से उठ के जाने वाली थी, तभी जो टेबल का कोना था ना उसके पैर पे लग जाता है, जिसकी वजह से वो गलती से ना केट के गोदी में बैठ जाती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ मैं इसकी गोदी में बैठ गई। और तभी केट काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वे में बोलता है कि तुम बोल रही हो कि तुम टेंशन नहीं हो, लेकिन तुम जिस तरह की हरकतें कर रही हो मुझे टेंशन हो रही है, ऐसा वो बोलता है। मेरे हट से वहाँ से उठ जाती है। हमें दिखाया जाता है केट बोलता है कि साथ में शॉवर करेंगे। तभी मैं बोलती हूँ क्या बकवास कर रहे हो, वो बोलता है कि मजा कर रहा था, मैं जाता हूँ शॉवर करने, तुम अपने चेंज करो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद केट जब वॉशरूम से बाहर आता है ना, तभी मैं अपने नाइट गाउन ढूंढ रही थी, लेकिन वो याद करती कि अरे मैं तो घर पर ही भूल गई। तभी वो ऐसा फील करती कि केट उसके पीछे आ रहा है, तो वो जो हेयर ड्रायर होता है ना वो लेके उसे ऑलमोस्ट मारने वाली थी। खेर बोलता कि क्या कर रही हो, मैं तो बस तुम्हारे लिए कपड़े लेके आया था, मुझे लगता है तुम भूल गई होगी ना, ऐसा बोल के वो उसे देता है। तभी मैं बोलती कि हाँ ठीक है थैंक यू बोल के वो उसे ले लेती है। मैं कपड़े चेंज करके आती है, लेकिन मेरे को आज फर्स्ट नाइट इस घर पर काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, अनकम्फर्टेबल। मैं अगर सच बोलूँ तो होता है ना, एक तो फेक मैरिज कर लिया और ये बंदा कहीं मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा ना कर ले, मतलब इसके मन में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल ना आ रहे हो। इस बात की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि वो डिसाइड करती है आज मैं सोऊंगी नहीं। और उसके बाद वो लाइब्रेरी पे जाती है, मतलब जहाँ पर बुक सेक्शन था केट का, वहाँ से एक बुक लेके पढ़ने लग जाती है। वो केट को बोलती है कि तुम यहाँ पर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो ना, केट बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आदत डालनी पड़ेगी। तभी वो पूछती है कि कौन सी वाली आदत, तभी केट बोलता है कि मैं ना बहुत टाइम से अकेले रहा हूँ और मुझे अब आदत डालनी होगी कि किसी के साथ रहना कैसा होता है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी और पानी का पैसे पे कर दूँगी। ये सुनने के बाद केट स्माइल करता है। मैं तो अपने आप को, उसे बहुत नींद आ रही थी और अपने आप को कंसनट्रेट करवा नहीं पा रही थी पढ़ाई के लिए। अब कौन सा उसने पढ़ाई किया था, वो तो बस केट से बचने के लिए पढ़ाई जाने का बहाना कर रही थी। केट बोलता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या, तभी मैं बोलती कि तब जब तुम सोने जाओगे तब मैं जाऊंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मैं वहीं पर सो जाती है। केट नोटिस करता है और उसके बाद वो उसे बेड पर लेके सुलाता है। लेकिन लेकिन गाइस क्या होता है ना, जो मैं थी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना, आज वो ऐसा सपना देखती है कि जो केट था उसके साथ रोमांस करने की ट्राई कर रहा है, तो वो रोने लग जाती है। केट उठता है और वो बोलता कि क्या हुआ है। तभी मैं ना उसे बोलती कि तुम्हारी वजह से सब हुआ है, और वो उसे एक किक मार के वहाँ से भाग जाती है। केट उसके पीछे पीछे जाता है और वो बोलता है कि क्या हुआ है, तुम पागल की तरह हरकत क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है बताओ। तभी मैं बोलती कि अगर तुमने उस दिन वो सब नहीं किया होता तो आज मैं वैसे उल्टे सीधे ख्याल नहीं ले आती मन पर। तभी केट बोलता है कि तुम्हें लगता है उस दिन जो मैंने किया है वो कोई फोर्सफुली था, एक बात याद रखना मैंने तुम्हें कोई फोर्स किया नहीं था, हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉपरली कोऑपरेट किया था, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि मुझे ना कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उस दिन मैं तुमसे मिला वो मेरी बदकिस्मती थी, तुम जैसी छोड़ी हुई ब्राइड को मिला और आज देखो मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा हेल्प बन रही है, ऐसा वो बोलता है। मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे में होता क्या है ना, शाहरुत को अपनी शॉप पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बेसिकली उसकी मॉम ने उसके सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया था, और जो पीन का कॉफ़ी शॉप था ना वो अभी बिकने वाला था, जिससे उन लोगों ने रेंट दिया हुआ था वो सेल करने वाली थी। तो यहाँ पर शाहरुत आता है मेसे मिलने के लिए एक फ्लावर का बुके लेकर। मैं तो कन्फ्यूज हो जाती है यहाँ पर क्या कर रहा है। और यहाँ पर शाहरुत उससे पहले तो सॉरी बोलता है, और वो बोलता है कि भले हम दोनों लवर ना हो फिर भी मैं तुमसे एटलीस्ट दोस्त के नाते से तो मिल सकता हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो, बोल के उसे फ्लावर देता है। इसी मोमेंट पे जो केयर था वो वहाँ पर आया हुआ था, वो उन दोनों को देख लेता है। और उसके बाद मैं शाहरुत को वहाँ से लेके चली जाती है, बोलती कि तुम चाहते क्या हो। तो अभी यहाँ पर जो शाहरुत था ना वो बोलने लगता है कि पिन उस सबको बहुत प्यार करती है, उसके लिए वो उसका छोटा भाई की तरह है, तो अगर उस सब कुछ होगा तो पिन टूट जाएगी, मैं अपने बच्चे को कहाँ पर रखूँगा, प्लीज़ मेरी मदद करो, 6 मिलियन ज़्यादा पैसा नहीं है, प्लीज़ मुझे इतना पैसा दो मैं उस सब को खरीद सकूँ, ताकि हमारे होने वाले फ्यूचर बेबी के लिए वो एक अच्छा मौका रहेगा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मेरी मॉम ने ऑलरेडी मेरे सारे क्रेडिट कार्ड
फ्लॉक कर दिया है प्लीज़, ऐसा बोल के वो रोने लग जाता है, मेरे को गले लगाता है। मैं तो कुछ समझ पा नहीं रही थी और यहाँ पर तभी किए रहता है और वो मेरे को वहाँ से छुड़ा के ले जाने लगता है। सारू उसे रोकता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर हम दोनों के बीच मत आओ, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, जब तक हम दोनों ने डेट नहीं किया था ना तब भी हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तभी केट बोलता है कि तुम अपने लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेक का सहारा क्यों ले रहे हो, तुम खुद करो ना, तुम क्या समझते हो मेक को। कभी जब मन किया उसके पास आ गए, जब मन किया छोड़ दिया, जब ज़रूरत पड़ी तो उसके पास आके अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया। कोई मजाक लगा रखा है, अगर तुमसे इतना नहीं होता, तुमसे खुद की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो तुम एक लड़की का सहारे क्यों ले रहे हो, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद वो मेको लेके जाने लगता है। सारू बोला था कि मुझे मे की मदद चाहिए और तुम हम दोनों के बीच में नहीं आ सकते। तभी केट बोलता है कि एग्जैक्टली मैं तुम दोनों के बीच में तो नहीं आ सकता, लेकिन एक बात मत भूलो, अभी मैं मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं डिसाइड कर सकता हूँ मेरी वाइफ किसके साथ बात करेगी किसके साथ नहीं, ऐसा वो बोल देता है। नेक्स्ट सीन में होता क्या है ना, सारुत को मे के मॉल वाले लोग लेके चले जाते हैं क्योंकि मे के पापा गार्ड लेके आए हुए थे। केट डर में बात करने लग जाते हैं। मैं चाहती थी कि वो सारुत की हेल्प करे, लेकिन यहाँ पर केट नहीं चाहता था कि वो सारुत के चक्कर में फिर से फंसे। मतलब दो लोग कपल है, अब उनका बच्चा होने वाला है तो उनके लाइफ की प्रॉब्लम वो खुद ही सॉल्व करें ना, किसी और को जिसको उसने डिच किया हुआ है उस लड़की के पास आके वो हेल्प क्यों मांग रहा है। केट का मानना ये था और वो चाहता था कि मर्द की तरह वो खुद ही स्ट्रगल करे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि इतना पैसा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं हेल्प कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पर केट बोलता कि क्या तुम्हारे मन में अभी भी उसके लिए कोई फीलिंग है जो तुम उसकी हेल्प करने के लिए इतना तरस रही हो, ऐसा वो बोल देता है। तभी मैं बोलती हूँ कि तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा हम दोनों की असली शादी हुई हो हुई है, हम दोनों बस प्रेटेंड कर रहे हैं ना एज एन कपल, ऐसा वो बोल देती है। तभी जो आचा था फोटो दिखाने आता है, फोटो में ना जो मे का एक्स बॉयफ्रेंड उसे घुटने में बैठ के माफ़ी मांग रहा है, उसे प्रपोज कर रहा है, ऐसा कुछ न्यूज बन गया था। बाय गॉड, एक्ट्रेस की लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेट होती है, छोटी सी टॉपिक मिली नहीं फिर से कंट्रोवर्सी बन गई। तो यहाँ पर केट बोलता है कि भले ही मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अपनी रेपुटेशन को ख़राब होने नहीं दे सकता, तुम्हारी वजह से मैं अपने नाम को बदनाम होने नहीं दे सकता, तुम चूज करो, तुम्हें अभी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रहना है। हम दोनों को जो फेक कपल मतलब लवी डवी कपल बन के जो कुछ टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में रहने वाले वो रहना है, या फिर जाके फिर से सारुत की हेल्प करने वाले हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे रखते हो, ऐसा वो बोल देता है। तभी मैं गुस्से में वहाँ से चली जाती है, या वो एक्चुअली केट की गाड़ी में गई थी तो केट भी वहाँ पर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है जो नाक था, नाक को भी वो फोटो मिल जाता है और वो शौक हो जाता है। हमें ये दिखाया जाता है कि जो लिख हुई थी ना वो नाक के पीछे पड़ी हुई थी और आशा इन दोनों का आज रोमांस ही हो गया था। हमें ये दिखाया गया है कि नेक्स्ट सीन में मे के पापा सारुत के पास थे, सारुत काफ़ी ज़्यादा अपसेट था और पहले तो मे के पापा सारुत को मे को छोड़ के जाने का रीज़न पूछते हैं, सारू तो भी बता नहीं पाता। और यहाँ पर वो पूछते हैं कि मैंने केट से शादी क्यों की, अब बेचारे को ये भी थोड़ी पता था तो वो इसके बारे में कुछ बता नहीं पाता। तो हमें दिखाया जाता है जो मे के पापा थे उन्होंने ऑलरेडी सारुत की मम्मा को बुला के रखा हुआ था। सारुत की मम्मा बोलती कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे ना तो मैं जो पिन का शॉप है अभी कभी खरीद के उन दोनों को रोड पे लाऊंगी। और बेचारा सारुत क्या करता। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो मे और केर थे काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे एक दूसरे से, केर में से कुछ बोलने वाला था, तभी उसे किसी का कॉल आता है